हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, बहुत समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी मशीन के बारे में जानना चाहते थे कि मैं किस मशीन पे वर्क करती हूँ और वो मशीन किस कंपनी की है, कैसे उसके क्या फंक्शन है और कैसे वो वर्क करती है। तो मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो डाल रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में जा करके इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में, अपनी मशीन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो छोटी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और फ्रेंड, एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी आपको बताऊंगी, सारे फंक्शन मैं कोशिश करूंगी बताने की। उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपको रहता है किसी भी फ्रेंड को, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट पे अगर मैंने कम जानकारी दी या नहीं दे पाई या नहीं बता पाई कुछ भी, तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और आप लोग किसी भी टॉपिक पे जब कोई वीडियो बोलते हैं बनाने को या कुछ पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही अपने डाउट क्लियर किया कीजिए, पूछा कीजिए कि आपको और क्या आपको जानना है, या पूछ सकते हैं, तो मैं इस पे वीडियो लेकर के आऊँगी ज़रूर। तो ये तो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो पहले इस वीडियो को मैं बनाती हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये मशीन जो है ये कैसे फंक्शन करती है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत डाउट होता है कि आप ये मशीन चलती कैसे है। तो फ्रेंड, ऑटोमेटिक ये मशीन है और इसके एक्सीलेटर होते हैं, तो एक्सीलेटर से चलते हैं। तो बाकी तो कोई ऐसा अलग से कोई फंडा है नहीं इसका। लिंक चलिए, आज मैं आपको पूरी मशीन दिखाती हूँ, और देखिए, समझिए, और पसंद आए तो लगे अगर कि हाँ आप इस मशीन को परचेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस मशीन पे जब हम वर्क करते हैं ना तो वर्क थोड़ी फास्ट हो जाती है। प्रोफेशनल लोगों के लिए तो ये है ही, साथ ही जो लेडीज़ जो घर में बुटीक वगैरह चलाती हैं, जिनके पास अच्छा खासा काम आता है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है कि वो कम समय में फास्ट काम कर सकती हैं। तो फास्ट, इस पर बहुत ही फास्ट काम होता है, बस आप कितना फास्ट कर सकते हैं, चाहे जो भी लेडीज या जेंट्स जो भी देख रहे हैं मेरे फ्रेंड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है, इसके फंक्शन भी बताऊंगी, ऐसे ये इस मशीन को फास्ट करने का, स्लो करने का सारा ऑप्शन इसमें है, तो मैं सारे ऑप्शन आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और एक बार फिर बोलती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइए। तो चलिए फ्रेंड, ये जो है ये हमारी मशीन है, और ये मशीन है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मशीन कुछ इस तरीके से पूरी मशीन दिखती है। आप लोगों को हमेशा वीडियो में इतनी पोर्शन दिखती है इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट पूरा ऑपरेट कर, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ये स्पीड बढ़ाना हो, स्पीड घटाना हो, या जो भी हो, तो और ये रेगुलेटर रहता है जहाँ से आप ये जो सिलाई होती है उसके नंबर को कम ज़्यादा करने का, ये है, इसे हम घुमाते हैं। तो मैं ये सब आपको पहले बताऊंगी, पहले मैं पूरी मशीन आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, शुरू होती है ऐसे, और ये जैकी की है, और ये पूरा ऐसे करके यहाँ पे दो धागे लगाने के, ये दो तरह के धागे लगाने का ऑप्शन है। तो धागे की सिलाई के लिए आप यहाँ से लगाइए, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो रहते हैं, आप दो धागे की रील यहाँ पे डाल के रख सकते हैं इसे, जब दो कलर के काम, जैसे हम बहुत सारे डिजाइन जब डालते हैं ब्लाउज में, तो यहाँ से हमें दो तरह के रखने होते हैं। तो ये दो तरह के हुए धागे आप लगा के रख सकते हैं, वैसे काम यहाँ से आप एक ही धागा तो एक ही चलेगा मशीन में, लगा के आप रख सकते हैं, वैसे ही दिया हुआ एक। और ये पूरी मशीन हुई, मशीन के जो धागे लगाने, और पहले मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं फंक्शन समझाऊंगी आपको। ऐसे करके आप ये देखिए मशीन पूरी, और ये मशीन जो है ऐसे नीचे जा करके ये इस तरीके से है, ये जो है, और इसके यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इससे आप फुट को उठाने, और जैसे आप फुट को उठाने के लिए, एक मशीन के पीछे में भी एक रहता है फुट उठाने के लिए इसको, और इस मशीन में यहाँ पे है, जिसको आप अपने पैर के, मतलब अपने थाई से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जब हम बैठते हैं यहाँ पे सिलाई करते हुए, हमें जब ये उठाना होता है तो हमें पीछे हाथ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम कंट्रोल कर लेते हैं इसे। तो ये आपको, ये चीज आपको दिख रहा होगा एंड आपको नीचे दिख रहा है, ये एक्सीलेटर है इसकी, ये जो है ना ये एक्सीलेटर है जिसे हम पैर से कंट्रोल करते हैं। तो आप इसे जहाँ जितना ऊपर जाएंगे ना ये उतनी फास्ट होती चली जाएगी। तो आपको ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको एक्सीलेटर बहुत ही कंट्रोल से यहाँ दबाना है। तो इसलिए इससे में आपको थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जब इस मशीन को लेंगे तो आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है यहाँ से आप जो लॉक करने का जो होता है, जैसे हम कपड़े को लॉक करते हैं ना, जब हम सिलाई करते आते हैं तो लगता है कि अब हमें लॉक कर देना है वहाँ पे कपड़े को, तो इसको दबा के आप आगे पीछे करके लॉक कर सकते हैं। एंड अब और इसके जो टॉप हैं, तो चलिए पहले मैं आपको टॉप इसके दिखा देती हूँ। तो इसके जो टॉप है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा है, जैसे जो हम मशीन यूज़ करते हैं ना उस मशीन से ये ज़्यादा लंबा आपको दिखेगा। देख रहे हैं ना, ये इसकी टेबल जो इसके जो है टॉप है काफ़ी अच्छे और बड़े हैं, जिससे कि हमें काम करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। इसके बाद ये आपको यहाँ ऊपर मैंने धागे के लिए दिखा दिया है, नीचे एक्सीलेटर दिखाया ही है आपको, नीचे में ये आपको थाई से कंट्रोल करने का, मैंने ये फुट को ऊपर नीचे करने का यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। वो साइड में मैंने डस्टबिन रखी हुई है कटिंग को हटाने के लिए। एंड ये इस टाइप से पूरी दिखती है। यहाँ पर भी जैसे बाकी के मशीन में टॉप पर जो देते हैं जिस तरीके से, वैसे यहाँ पे स्केल दिया हुआ है जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पे तो आप कर सकते हैं वो है। चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये धागा, दो धागा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है ये यहाँ से आती है। इस धागे को पहले हमें यहाँ से निकालना होता है, उसके बाद आपको यहाँ से ला करके और इसमें डालना होता है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ क्या करना है इसमें। ये वाले पार्ट आपको दिख रहे होंगे, इस पार्ट में हमें ये एक होल रहती है, तो उस होल से हमें धागे को बाहर निकाल के और इस पे ऐसे घुमा करके लाना है और इस पे अंदर से डाल के ये, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड थे जिन्होंने पूछा था कि इसमें धागे कैसे लगते हैं, तो धागे जो हम लगाते हैं इस धागे को यहाँ से लगाते हुए इसमें करके यहाँ से लाकर इस छेद से हमें डाउन करना है और यहाँ से हमें, ये आप देख सकते हैं कि यह धागे को लाकर यहाँ से नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर नीचे करके नीचे से फिर इसमें राउंड करके इसमें ला करके नीचे से घुमाते हुए फिर हमें इस वाले होल में आना होता है। इस वाले होल में आकर के फिर नीचे से इसमें ला करके तब हम नीचे आकर के फिर हम निडिल में डालते हैं, यहाँ पर इस निडिल में डालते हैं, निडिल में डाल करके निकालते हैं। उसके बाद नीचे का जो है वो, ये खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, नीचे से हाथ डाल के बॉबिन जैसे बाकी के मशीन में रहती है वैसे बॉबिन रहती है, बॉबिन को अंदर डाल के आप यहाँ से धागे को निकाल लीजिए, जैसे आप नॉर्मल जैसे मशीन की होती वैसे ही यहाँ पर इसकी नीचे की तरफ से इसकी यहाँ पर इसके लगे होते हैं। अब उसके इसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसकी ऑयलिंग ऊपर से कहीं पर भी नहीं होती है। इसकी ऑयलिंग जो भी है वो यहाँ जैसे होते हैं ना बाकी मशीन में जो होल रहते हैं उस होल में डालना होता है, यहाँ कोई भी होल वगैरह में आपको ऑयल नहीं डालना है। इसमें जो है यहाँ पर ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो है ना ये ऐसे इसके अंदर में ऑयल भरी होती है, इसके अंदर में ऑयल भरी होती है और ये ऑयल 1 लीटर ऑयल इसमें भर दिया जाता है। उसके बाद ये जो मशीन है इसको, इसके बाद इस मशीन में ऑयल कहीं की ज़रूरत नहीं होती है और ये ऑयल जो हम डालते हैं ये ऑयल इसमें भरी रहती है 6 महीने 8 महीने, बहुत ज़्यादा काम अगर आप करते हो तो 5-6 महीने में आप इसके ऑयल पूरे निकाल के उसको छान लीजिए मलमल के कपड़े में और उसके बाद वापस डाल दीजिए, और अगर ऑयल कम है तो और ऑयल इसमें आप डाल दीजिए, मतलब इसके एक लेवल होता है उस लेवल में आपको डालना होता है। ये जब आप जहाँ से भी मशीन लेंगे वहाँ आपको ये चीज़ समझा देता है।
मशीन चलाते हैं तो फास्ट मशीन चलाएंगे तो ऑयल ऊपर नीचे आएगी। वैसे भी जैसे आप मशीन वगैरह अगर आपने 10 दिन तक छोड़ दिया है, नहीं चला रहे हैं आप, तो एक बार आप बॉबिन वगैरह को निकाल करके और इस मशीन को फास्ट आपको चला लेना है। यहाँ पे नंबर है, मैं नंबर भी आपको बताऊंगी, तो फास्ट आपको चलाना है जिससे कि सबसे हाई नंबर पे, जिससे कि यहाँ पर ये आकर के ये ऑयल ऊपर नीचे यहाँ पे आएंगी तो पूरे मशीन के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं नीचे से ऑयल कनेक्शन रहता है और पूरे मशीन के पार्ट को ऑयलिंग कर देता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसको ऊपर से कोई ऑयल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसके नंबर के बारे में जानते हैं, तो मैं मशीन ऑन करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वायर लगी हुई है, ये मशीन की वायर है जिसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बोर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ये मैंने एक लाइट लगाई हुई है, जब हम मशीन पे काम करते हैं थोड़ी लाइट की जरूरत होती है। वैसे इस मशीन को खुद भी इसकी एक लाइट यहाँ पे जलती है। अब मैं लाइट और इसके फंक्शन समझाती हूँ आपको। तो ये तो मैं ऐसे ही लगा के रखती हूँ। अब इसका जो ये है वायर है ये जा रहा है ऐसे करके, हम देख रहे हैं ये वायर है कि मैंने, और ये जो वायर है ये पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये आई हुई है और ये वायर यहाँ आ करके, ये जो वायर है ये यहाँ आ करके ये यहाँ यहाँ कनेक्ट हो जाती है इसमें, और यहाँ पर ये दो है और लगे हुए पोर्ट। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, यहाँ पर एक बटन है, शायद मेरा कैमरा इतना नहीं दिखा पा रहा है आपको, एक बटन यहाँ पे रहता है ऑन ऑफ का, तो आप यहाँ से भी ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। जैसे बच्चे कभी कभी ऊपर के प्लग वगैरह में ये कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं तो मशीन चालू हो जाए, मतलब यहाँ से लाइट जलनी शुरू हो जाती है, ऑन हो जाती है वो, तो आप यहाँ से भी इसको बंद करके रख सकते हैं। तो इसको पीछे के बटन से भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसे आगे में लाइट जली हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइट यहाँ पे जल गई है, एक लाइट जली हुई दिख रही होगी। तो लाइट एक यहाँ पे रहती है जिससे कि जब आप यहाँ पे सिलाई करते हैं तो आपको प्रॉपर एक लाइट मिलती है वहां पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जो नंबर हैं वो यहाँ पे मैंने 21 पे रखे हुए हैं। ये जो है ये फास्ट और स्लो का है। अब यहाँ पर ये जो है दो बटन है, तो हमें कितना फास्ट और कितना स्लो रखना है ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब हमें फास्ट करना होता है तो हम ये वाले फर्स्ट बटन को जो ऊपर की तरफ जो है एरो, तो इसको हम जब पुश करते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये लास्टली कितने नंबर तक आते हैं, ये तो ये 45 तक आते हैं। तो ये 45 और 45 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, 45 सबसे फास्ट है, जो कि बहुत ही फास्ट है। ये कारखाने फैक्ट्री वगैरह में इस नंबर पे काम होता है, जहाँ पे सीधी सीधी सिलाई होती है, जहाँ पे आप डिजाइंस वगैरह डाल रहे हैं तो वहाँ ये कभी वर्क नहीं करेगा, ये बहुत फास्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इतने पे तो नहीं करती हूँ, कोई भी नहीं करता, ये फैक्ट्री वगैरह के लिए इतने नंबर होते हैं, बहुत फास्ट है। या फिर सीधी सीधी सिलाई आपको करनी है, कोई चादर पर्दा वगैरह बनाना है तो कर सकते। यहाँ से हम डाउन होते चले जाएंगे, ये डाउन एरो है, डाउन एरो से हम डाउन होंगे। तो ये डाउन होकर के अब हम लोग 1 तक जा सकते हैं। मैं आपको डाउन होकर ये देख रहे होंगे, डाउन हो रहे हैं। टू पे आके, मतलब टू नंबर पे आकर के रुक गई है, 1 या 2 पे रुकती, मतलब ये हो गई, ये एकदम स्लो हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो ये यहाँ पे हो गई है स्लो, ये है फास्ट करने का। ये जो है ये हम जैसे हम नंबर को कम ज्यादा सिलाई के नंबर करते हैं तो ये जो है ये बहुत ही बारीक हो जाता है, और जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे नंबर है उस नंबर पे देख कर आप कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर इस नंबर को, आप सिलाई के नंबर को जब आप इस मशीन को यूज करेंगे आप खुद ही यहाँ से देख के बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं कितना भी कुछ सिखाऊंगी लेकिन प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया, ये जब है जब हम लॉक करते हैं उस टाइम पर, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये लॉक करने के लिए है, इसको ऐसे करके आप लॉक करेंगे। बॉबिन भरने के लिए आप यहाँ से धागे को लाएंगे, ये बराबर
लेकिन ये इधर नहीं आएगी। जब सिलाई करनी होगी तो हम धागा को इधर से लाएंगे, जब हमें सिलाई नहीं करनी होगी इसको ऊपर से लाएंगे और बॉबिन में डाल के इसको यहाँ से लाना है हमें, और इस यहाँ पे होल बनी होती है, इसे होल से निकाल करके ऐसे घुमा के फिर यहाँ से होल से निकालना होता है हमें। उसके बाद आप उस धागे को बॉबिन में एक या दो राउंड घुमा करके दिख रहा होगा तो इधर से लाना है और इस पोर्शन में आपको डालना है। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बता रही हूँ। इस धागे को यहाँ से होल से घुमा के इसमें से घुमाना है और यहाँ पर बॉबिन में एक दो रोल करके, पहले धागे को आपको यहाँ से निकाल के डालना है बॉबिन में घुमा करके और यहाँ पर आपको डाल देना है इसको। उसके बाद आपको इसको दबा देना होता है ऐसे बॉबिन के ऊपर, तो वो बॉबिन को यहाँ पर टाइट कर देता है। उसके बाद आपको मशीन को चलाएंगे और एक चीज़ ध्यान रखना है, बॉबिन भरते समय आपको नीचे से यहाँ से बॉबिन को निकाल लेना है, यहाँ पर अंदर की तरफ से आपको बॉबिन को निकाल लेना है और धागे को आप निकाल लीजिए, यहाँ धागा नहीं रहना चाहिए, इसको हटा दीजिए पूरे धागे को बॉबिन भरते समय। न नीचे से धागा होना चाहिए न ऊपर का धागा। और यहाँ आप इस मशीन की एक प्रॉब्लम, मैंने सब कुछ आपको ओवरऑल बता दिया है, इस मशीन में बस एक ही है कि इस मशीन में जो है ना वो बिजली बहुत ज़्यादा मतलब लगती है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ये फैक्ट्री की मशीन, फैक्ट्री में ज़्यादा यूज होती है इस वजह से। और दूसरी बात है क्या कि इस मशीन को आप बच्चों से बचा के आपको रखना, अगर बच्चों ने इसे उल्टा सीधा घुमा दिया तो फिर इसकी सारी जो फंक्शन है ना वो गड़बड़ हो जाती है और ये मशीन लॉक हो जाएगी। तो जिस टाइम पे मशीन लॉक हो जाएगी उस टाइम पे आप किसी भी ऐसे वैसे मैकेनिक को बुला करके मत दिखाइएगा, आपने जहाँ से मशीन लिया हुआ है उस मशीन के वहाँ से ही आप किसी भी मैकेनिक को बुला करके ही आप इसके काम करवाइएगा, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप इस मशीन को लेंगे तो एक दो बार लॉक होने की भी संभावना रहती है और हो जाती है, यहाँ पे कुछ नंबर शो करने लगते हैं और मशीन नीडिल अंदर चली जाएगी, नीडिल ऊपर नहीं आएगी। बाकी की मशीन में जो चक्के होते हैं वैसे यहाँ पर भी एक व्हील्स होती है इसकी, जो हम धागा लगाते समय निकालते समय घुमाते हैं, तो इसको हमेशा आपको यहाँ पे आप जस्टिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्हील्स है पतली सी साइड में रहती है, तो ये व्हील्स को कभी भी है ना अपने को सामने की तरफ घुमाना है, सामने की तरफ, पीछे की तरफ कभी नहीं। जैसे बाकी मशीन में हम आगे पीछे कर लेते ना, कभी पीछे उधर कर देते कभी इधर, इसमें नहीं, इसमें आपको हमेशा ऐसे मशीन धागे निकालने हैं तो भी कुछ भी या नीडल को भी अगर ऊपर नीचे तो इसको ही घुमाना है आपको, इसको ही घुमाना है आपको, बाकी आप आगे की तरफ ही घुमाना है पीछे की तरफ नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसको ना यूज़ करें आप, भी ये होगी तो यहाँ पर एक एरर आ जाती है, जब मशीन अगर प्रॉब्लम कुछ आ जाती है तो एरर आती है। यहाँ पर आप तीन डॉट की एक बटन और है जो कि नीडिल को, नीडिल अंदर या बाहर आपको क्या रखना है, अगर आपको सिलाई करते समय जैसे सिलाई हम स्टॉप करते हैं तो बाकी मशीन में नीडिल जो होती है ऊपर ऊपर रहती है, तो हमें जब वहाँ से उठना होता है या कपड़े को दबाना होता है तो हम मशीन के ही एथी को घुमा करके चक्के को घुमा कर करते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपकी यहाँ पर इस बटन को दबा करके आप नीडिल को नीचे रख सकते हैं, तो ये एक यहाँ पर एक ये ऑप्शन बना होता है, लेकिन जब एरर आती है तो ये हट जाते, ये नहीं रहेंगे नंबर आपके, कुछ नंबर अलग आ जाते हैं जैसे 6E ऐसे करके कुछ कुछ नंबर आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो उस टाइम पर फिर आपको सर्विस सेंटर को ही कॉल करके वहीं से किसी मैकेनिक को बुला करके आपको इसको ठीक करवाना पड़ेगा। शुरुआत में आप कभी भी हाथ मत डालिएगा या घर में या अगल बगल किसी भी मैकेनिक से मत काम करवाने लगिएगा, नहीं तो अच्छी खासी आपकी मशीन बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी जानकारी आपको दे दी है अपनी मशीन की, इसके रेट वगैरह जो है वो आप ऑनलाइन सर्च करके आप देख सकते हैं। मेरा ये मशीन है ये कम से कम 5-6 साल पुराना है, तो अभी ये मॉडल आते हैं कि नहीं मैंने ऐसा ध्यान दिया नहीं है, लेकिन इस कंपनी की मशीन तो आती है नहीं, हमेशा मशीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, तो मैंने ये 4-5 साल पहले लिया, वैसे कुछ ज़्यादा चेंजिंग आती नहीं है। तो मशीन बहुत अच्छी है, मशीन के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इस पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी फास्ट होने के कारण ये थोड़ा सा आपको डर लगेगा, आप थोड़े परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप इसमें परेशान मत होइएगा, बस 2-4 दिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और यहाँ से जो नंबर बताया है इस नंबर को कम ज़्यादा करके आप जैसे शुरुआत में आप जब करेंगे ना तो आप क्या कीजिएगा कि 9-10 पे ही रखिए और 9-10 पे ही आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, और जो एक्सीलेटर है
और ये जो एक्सीलेटर है इसे एकदम कम कम दबाइए, कम कोशिश कीजिए एकदम हल्का हल्का प्रेस करने की, जिससे कि आप धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है और उसके काम परफेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये मशीन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है और इस पर मैं बहुत अच्छे से वर्क करती हूँ। इसके अलावा मुझे कोई मशीन अब पसंद ही नहीं आती है काम करने में, जो मज़ा मुझे इसमें आता है। तो मैंने अपनी पूरी जानकारी दे दी है फ्रेंड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।